ब्रह्म ऋषि श्री देवरहासन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं राशि के अनुसार शिव आराधना कैसे करें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं, जिसे साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर दिन भगवान शिव 24 घंटे में एक बार शिवलिंग में स्थित होते हैं। इसलिए अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिव जी की आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें राशि के अनुसार शिव आराधना। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को शिव जी के पूजन के बाद ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और शहद, गुड़, गन्ने का रस, लाल पुष्प भगवान भोले पर चढ़ाना चाहिए। वृष राशि वालों को मल्लिकार्जुन का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान शिव पर कच्चे दूध, दही तथा श्वेत पुष्प चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि वालों को महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। भगवान शिव पर हरे फलों का रस, मूंग, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कर्क राशि वालों को शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम हौम जूम सह मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और शिवलिंग पर कच्चा दूध, मक्खन, मूंग, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि वालों को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात् इस मंत्र का कम से कम 51 बार जप करना चाहिए। साथ ही साथ ज्योतिर्लिंग पर शहद, गुड़, शुद्ध घी, लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि वालों को ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए और भगवान शिव पर हरे फलों का रस, विल्व पत्र, मूंग, हरे वानीले पुष्प चढ़ाने चाहिए। तुला राशि वालों को भगवान शिव के पूजन में शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना चाहिए और दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री चढ़ानी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम इस मंत्र का जप करना चाहिए शिव पूजन में और साथ ही साथ शहद, शुद्ध घी, गुड़, बेल्व पत्र और लाल पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। धनु राशि वालों को ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र से शिव जी का पूजन करना चाहिए। धनु राशि वालों को मंत्र जाप के अलावा शिवलिंग पर शुद्ध घी, शहद, मिश्री, बादाम, पीले पुष्प तथा पीले फल चढ़ाने चाहिए। मकर राशि वालों को त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला जप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव का सरसों का तेल, तिल का तेल, कच्चा दूध, जामुन तथा नीले पुष्प से अभिषेक करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के स्वामी शनिदेव हैं, इसीलिए इस राशि के व्यक्ति को मकर राशि की तरह ही ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जप के समय केदारनाथ का ध्यान करें, कच्चा दूध, सरसों का तेल, तिल का तेल और नीले पुष्प चढ़ाना चाहिए कुंभ राशि वालों को। मीन राशि के व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना के लिए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और गन्ने के रस, शहद, बादाम, बेलपत्र, पीले पुष्प और पीले फल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। तो ये है राशि के अनुसार शिव पूजन करने का तरीका। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।